तो मुझे ऐसे लोग बनाने हैं, मैं ऐसे ही लोगों को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे अभी मेरा माइंड है, जैसे आपका माइंड है कि कोरोना की ऐसे की तैसी लात मारते हैं हम कोरोना को, कोरोना से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ हर व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए, इंडियन हर व्यक्ति ये, हर भारतीय ये सोचना चाहिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोरोना को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, कोरोना के बारे में कोई मैं चीज़ मानता नहीं हूँ, कोरोना जैसी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। तो मुझे इस बात से बहुत भरोसा है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि आप इस डर को ख़त्म कर सकते हो, तो आप कोई भी डर को ख़त्म कर सकते हो। जैसे आपने कोरोना का डर जीत लिया, कोरोना आपको कभी परेशान कर रहा है? कभी रात को कोरोना की सोच आई? कभी नहीं आई। कोरोना के बारे में सोचा ही नहीं आपने, कभी कोरोना शब्द भी नहीं बोलना पूरे एक चाहा, साल में नहीं सोचा कोरोना की आपने ना वीडियो देखी कभी। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ अहमियत नहीं लगती कि ये चीज़ है, कुछ नहीं है, बड़ी नहीं लगती ये चीज़, बड़ी नहीं लग रही। तो आपको इसी तरह से दूसरी चीज़ों के साथ यही चीज़ें करनी है, दूसरी सोच के साथ, नेगेटिव सोच के साथ, आपको कोई और डर लग रहा है इसके साथ भी यही पेश आओ, उसके साथ भी कोरोना क्या उखाड़ लेगा, तो और चीज़ का डर लग रहा है तो उसको भी बोलो ना तू क्या उखाड़ लेगा भाई, रात को अंधेरे में कोई आवाज़ से डर, अरे तू क्या उखाड़ लेगी, मेरा आवाज़ से कोई डर लगता है? नहीं 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 मैं बिलीव नहीं करता। कोई लगता है किसी को भूत प्रेत का डर है, तो आपने जैसे कोरोना का डर जीता वैसे भूत प्रेत के डर को जीतो। अगर आप एक डर को जीत सकते हो तो आप दूसरे डर को जीत सकते हो, और दुनिया के हर डर को जीत सकते हो, ये संभव है। दिमाग आपका इस तरह से, इस तरह की सोच के साथ चलना चाहिए, यही आपका पैटर्न बन जाना चाहिए कि डर की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। ये आपके सेंटेंस आपको ये ताकत देते हैं डर का सामना करने की। लेकिन हमारे सेंटेंस कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, अरे यार ये कोरोना फैल गया है, पता नहीं अब मेरे फैमिली में आ गया, मुझे आ गया, पता नहीं क्या होगा, क्या इतने लोग मर रहे हैं, मेरे साथ मैं भी मर गया, ये शब्द आए तो क्या हो गया? मर गया तो मर गया, ख़त्म। फिर आपके अंदर डर हावी हो गया। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव माहौल दिया जाता है, अरे डर की क्या बात है, सिर्फ डर की बात नहीं है, कोई भी समस्या ज़िंदगी की आपके लिए समस्या हो भी कैसे सकती है, समस्या है लेकिन आप समस्या से बहुत बड़े हैं। तो लोग हमेशा प्रॉब्लम क्यों महसूस करते हैं कि लोग समस्या को बड़ा बनाते हैं, खुद को छोटा बनाते हैं। समस्या को बड़ा बनाया, खुद को छोटा, खुद को गिराया, खुद को कमज़ोर बनाया, खुद को तोड़ा हुआ, टूटा हुआ बनाया, खुद को टूटा हुआ समझा। इस तरह से ज़िंदगी में कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना क्या है, खुद को बड़ा बनाना है, समस्या को छोटी बताना है। खुद को इतना बड़ा समझिए, इतना, जैसे कल आपको सेल्फ एस्टीम के बारे में बात किया था, खुद का सेल्फ एस्टीम इतना ऊंचा लीजिए कि मेरे से कोई हो ही नहीं सकता, मेरे जितना पावरफुल, मेरे जितना स्ट्रांग दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, सबसे अगर स्ट्रांग है, सबसे कोई मजबूत है तो मैं ही हूँ। मेरे जैसे कोई सोच किसी की हो ही कैसे सकती है, मेरे होते हुए मेरे से मजबूत आदमी दुनिया में हो भी कैसे सकता है? बोलने से भी अगर मजबूती आती है तो बोलने में जाता क्या, उसमें पैसे नहीं लगते, टैक्स नहीं लगता, तो बोलना चाहिए। तो आपको इसी तरह से खुद को बड़ा बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है, समस्या को छोटा बनाइए। समस्या की औकात क्या है, समस्या की मेरे सामने हैसियत क्या है, समस्या की मेरे सामने हैसियत क्या है कि मुझे परेशान करें? आपके शब्द हमेशा ऐसे होने चाहिए, शब्द का चयन ही सब कुछ है। गलती दुनिया की कहाँ पर है, गलत शब्द का चयन किया है। बाकी लोग कमज़ोर नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि हर व्यक्ति के अंदर वो जज्बा है ज़िंदगी जीतने का, दुनिया जीतने का जज्बा हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन वो कहीं छुपा हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर वो फीलिंग्स है, हर व्यक्ति के अंदर वो ताकत है, हर व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी है, हो सकती है पैदा कर सकता है, लेकिन व्यक्ति वो पैदा कर नहीं सकता है, हमेशा टूटा हुआ कमज़ोर दुखी आत्मा की तरह जिएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है उसके शब्द, शब्द ही गलत बोल रहे हैं, इससे व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी वो पॉजिटिव खुशी जोश आ ही नहीं सकता अगर व्यक्ति कमज़ोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। शब्द की फीलिंग आपको पता है, आप हमेशा नेगेटिव बोल रहे हो तो क्या आपके अंदर जोश आया क्या? मैं, मुझे कितनी परेशानी है, कोई नहीं समझ रहा है, मेरे साथ पता नहीं है क्या हो गया, आप कैसे ठीक होंगे, उस टाइम जोश का फीलिंग आया? मैंने अभी लास्ट में बोला इस तरह की आप भी भाषा यूज़ करोगे, इस तरह की लैंग्वेज में कभी जोश आएगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जोशीला बनना है, मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे जनूरी बनना है, तो आपको ये शब्द पहले चयन करके बोलना पड़ेगा, अरे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ,
कोई चीज मुझे हरा नहीं सकती, डर तो मेरे अंदर कभी पैदा भी नहीं हो सकता, डर कैसी चीज, मैंने देखा नहीं आज तक, समझता नहीं हूँ मैं डर को, डर को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, डर जैसे कोई चीज पता नहीं है मुझे। ये शब्द आपके अगर चलते रहते दिमाग में आपकी जबान पर, तो रियल में आपको वो फीलिंग आएगा, रियल में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लग रहा है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कमजोरी नहीं है मेरे तो अंदर से बहुत पावर महसूस कर रहा हूँ, आपका अंदर मन अंदर से बोलने लगेगा। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात है, आपके शब्द के चयन में कोई गलती नहीं चलेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कॉमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कॉमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।